नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास महेश्वरी। भगवान दास जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली बलवीर विहार 86 से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जुलाई 2013 में लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? नहीं ये भक्ति साधना तो जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होती हैं परंपराएं वही सब निभाता था। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा जी जब मैं 20 साल का हुआ उस समय 20 साल के बाद मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया जी। 20 साल आर्मी सिविल का सफ़र और 26 साल में फ़ौज में रहा। लेकिन इस पीरियड में मेरे परमात्मा की तलाश थी और मैं सभी से पूछता था कि जी परमात्मा को पाने की विधि क्या है, तरीका क्या है, परमात्मा कैसे मिल सकता है। मंदिर के पुजारी के पास गया था वो बोलते थे जी बैठ के भगवान को याद करो। चर्च में जाता था बोले जी रब को याद करो, अल्लाह को याद करो। भाई ऐसा नहीं बोलते थे, भाई याद करें तो किस तरह से याद करें कुछ बताएंगे आप? बोले जी ऐसे बैठ के अपना ध्यान लगाओ उधर, परमात्मा की प्राप्ति ऐसी होती है जी। लेकिन ये मेरा शक खत्म नहीं हुआ, मैं 26 साल सफ़र करके पेंशन आ गया जी। पेंशन आने के बाद एक दिन मैं गौ कथा सुन रहा था जी टीवी पर, टाइम था कोई 7:45 के लगभग। फिर मैं गौ कथा में थोड़ा इंटरेस्ट कम आया, मैंने चैनल शिफ्ट किया इधर तो साधना चैनल आ गया जी। उसमें गुरु जी का सत्संग चल रहा था संत रामपाल जी महाराज का, लेकिन वो मैं एक्चुअली किसी नेता को भाषण समझ गया था उस समय, तो मैं चैनल आगे शिफ्ट कर दिया। मैंने ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं वो थोड़ी देर बाद मतलब वापस लाता हूँ उधरी, ये नेताजी तो किस टाइप का लेक्चर है ये, कुछ अजीब मेरे को अजीब टाइप का लग रहा है। फिर दोबारा लाया मैं संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग सुना जी मैंने, फिर पता लगा कि परमात्मा का रास्ता यहाँ से मिलेगा, ये मेरे को थोड़ा विश्वास जागा। उसके बाद जो नीचे मैसेज आ रहा था जी कि इस नंबर पर आप बुक मंगा सकते थे SMS सेवा से, फिर मैं जी अपना फ़ोन से और SMS करके बुक मंगाई जी। जब बुक आ गई तो मैं बुकों को 15-20 दिन पढ़ा, लेकिन फिर पढ़ने के बाद उसमें कुछ नियम भी लिखे थे, वो नियम मेरे आड़े आने लग गए जी कि मैं शायद ये भक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीता था फौज में होने के नाते, और दारू भी बहुत पीता था और नॉनवेज भी खाता था मैं। भाई ये तो अपने लग रहा है परमात्मा को नहीं मिल पाएगा। फिर भी किताब पढ़ी, मन में इच्छा जागरी और उसके बाद मैं बरवाला आश्रम के लिए चला गया सर। वहाँ तो मैंने 3 दिन तक लगातार सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का, लेकिन 3 दिन सत्संग सुनने के बाद मैं नाम दीक्षा नहीं लिया, मेरे आगे वही फिरड़ गया कि मैं भाई मैं दारू पीता हूँ और बीड़ी सिगरेट से मेरे छूटेगी नहीं। जब आश्रम में गया तो कपास के पेड़ बाहर खड़े थे, उसमें बीड़ी मासी बांधे गया था जी मैं। 3 दिन सत्संग सुनकर पब्लिक जाने लगी, गुरु जी के शिष्य बैठे थे संत रामपाल जी महाराज के, उन्होंने बोला भाई नाम दीक्षा ले ले, इतने सब ने बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, बोला अब जब भक्ति करेगा ज्ञान आएगा तब पता लगेगा ये कितनी हानिकारक है। फिर मैं 4th दिन गुरु जी से नाम दीक्षा लिया और फिर भक्ति में लग गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो सबसे बड़ा लाभ जी मेरे को ये मिला कि मेरे को परमात्मा का पृथ्वी का मार्ग मिल गया, और एक शारीरिक लाभ हुआ मेरे को, जम्मू में वॉलीबॉल खेलते समय मेरी कमर में चोट लग गई थी, डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने बोला तेरा L4-L5 पे कोई फ्रैक्चर हो गया है और इसका ट्रीटमेंट चलेगा, अगर ट्रीटमेंट से सही हो गया नहीं तो लास्ट में सर्जरी करना पड़ेगा। ये दवाई खाता रहा चलता रहता था। फिर मैं जब गुरु जी की शरण संत रामपाल जी महाराज शरण गया और नाम दीक्षा लेने के बाद ये जितने भी नशे करता था मैं सारे तो नशे छूट गए। कमर में थोड़ा तकलीफ रहती, सत्संग में बैठता था गोली खा के बैठता था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज मैं सत्संग में सुनता हूँ तो मेरे एक टेबलेट खा के बैठता हूँ, पहले तो मैं 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाता था, 3 टाइम गोली खाता था, अभी सत्संग के टाइम मैं एक गोली खा के बैठता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला भक्ति कर ये भी छूट जाएगी तेरी। तो आज संत रामपाल जी की मेहरबानी से मेरे जो भी तकलीफ थी कमर की वो आज सारी दवाई छूट गई और अभी मेरे कोई कमर में दर्द नहीं है जी। नशा की लत तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सर मेरे को, इतने गंदे मेरे विचार थे, दारू पीना, बीड़ी पीना, नॉनवेज खाना, मैं चैन स्मोकर था, लेकिन संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये सारे नशे छूट गए। और अभी मुझे जब ज्ञान थोड़ा समझ में आया तब पता लगा कि ये तो बहुत ही नासिक, मैं राक्षसी काम करता था, मानव वाले कोई काम नहीं कर रहा था उस समय, अब परमात्मा की रजा हुई है जो भक्ति कर रहा हूँ मैं अभी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे इंसान बना दिया मालिक ने, उससे बड़ा मेरे लिए क्या सुख होगा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले,
आपने बताया कि आपको बैक की हड्डी में दिक्कत थी, वो ठीक हुई, आपका नशा छूट गया, और आपने बताया कि आप चैन स्मोकर थे, बहुत सारा नशा करते थे, वो सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से छूट गया। तो सर ये कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनके कितने भी पुराने नशे हों सब छूट रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्रों का जाप देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शब्दों में शक्ति है कि इससे सारे विकार छूट जाते हैं जी। सर आज जो दर्शक आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे से ग्रस्त हैं, नशा छोड़ना चाह रहे हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी उनका नशा नहीं छूट पा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जी आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पट्टी पर नंबर आते हैं, पहले तो आप सत्संग सुनिए, किताब मंगाइए, ज्ञान समझिए, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, आपके जितने भी नशे हैं, जितने भी विकार हैं, सारे छूट जाएंगे। आप मानव का मतलब समझाएंगे, इंसान का काम क्या है, उन मंत्रों में और शब्दों में इतनी शक्ति है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी तो काफ़ी इजी और आसान बना दिया, संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी पर सत्संग आते हैं, उसके नीचे पट्टी चलते हैं, उस पर नंबर चलते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, आपके नज़दीक, आपकी तहसील, आपके ब्लॉक, आपके घर के आसपास जो भी नामदान केंद्र खुले हुए हैं, आपको वहाँ का नंबर दिया जाएगा, और आप वहाँ जाके, वहाँ कोई फीस नहीं कटती, कोई पर्ची नहीं कटती, कोई बॉन्ड नहीं, वहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और भक्ति करिए। धन्यवाद सर। सत साहेब।